तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। और तुम्हें एक बात बताऊं कि जब मैं डिटरमिनेंट सीखता था 12th क्लास में, तो मुझे इतनी अच्छी समझ में नहीं आई थी। यार ये क्या आफत है, कैसा है, क्या करना होता है। अभी वो दिखाएंगे वो किन क्वेश्चंस की वजह से। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर डिटरमिनेंट को आप ट्रांसपोज कर दें तो आप देखो, जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो जो आपकी डिटरमिनेंट है वो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बच्चा कह रहा है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या ऐसा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आवाज क्लियर है यतिन? देखो नेटवर्क का इशू है आपके साथ, ठीक है? सब बच्चे बता रहे हैं क्लियर है। एक बच्चा पूछ रहा है आप मैथ्स के बचपन में कैसे स्टूडेंट है। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैथ्स का मैं अच्छा स्टूडेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे 12th में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। हाँ, मैं सारे मैसेजेस देख रहा हूँ, यस तुम्हारे मैसेज देख रहा हूँ, मैं अभी तो मैंने बताया था। जो सर, जो अभी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन था वो कैसे होगा सब बता देंगे। ये बच्चे कह रहे हैं सर एमसीक्यू की वजह से पास होना आसान है, फुल मार्क्स लाना मुश्किल है। बिल्कुल, एक मिनट रुको, आवाज का कुछ इशू है, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर बच्चे बता रहे हैं तो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात है नहीं। आवाज क्लियर है भाई, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे बाद में, पहले जरा इनको समझ लो। जैसे अब आप ये देखो कि अगर आप इसकी R1 से वैल्यू निकालो और यहाँ पर आप निकालोगे C1 से, तो पहले वैल्यू निकल रही थी R1 से और निकल रही है C1 से, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी चाहे R1 से निकालो या C1 से निकालो। ये बात तो लास्ट क्लास में भी हुई थी कि R1 से निकालो चाहे R2 से निकालो, चाहे R3 से निकालो, चाहे C1 से निकालो, चाहे C2 से निकालो, चाहे C3 से। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर रो वाले बता दिए, कॉलम वाले नहीं बताए। तो एक बच्चे ने और डाउट भेजा है मुझे, आप खुद डिसाइड करना वो डाउट कैसा है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने R1 से सिखा दिया था, R2 से सिखाया था, पर R3 से तो सिखाया ही नहीं है। अब मुझे सजेशन दो, मैं उस बच्चों को क्या समझाऊं कि मैंने R1 से सिखाया है, R2 से सिखाया है, पर R3 से नहीं सिखाया है, तो मुझे उसे क्या बोलना चाहिए? कृष्णा, मुझे सजेशन तो, मैं उस बच्चे को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? ओके, R3 से भी तो सेम ही हो गया है, दुनिया त्याग दो से। बच्चे ध्यान से सुना करो, चलिए ठीक है, R3 से होमवर्क था। अब पता है, अब जो बच्चे ये सोच रहे ना R3 वाली बात, एक्चुअली वही बात C1 पे भी अप्लाई होती है, C2 पे भी अप्लाई होती है और C3 पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मान लो C2 से करना है, तो C2 का एलिमेंट लो, इसका साइन लगाओ साथ में और रो और कॉलम को भूल जाओ। फिर अगला एलिमेंट 0 है, तो 0 के साथ प्लस लगाओ, रो और कॉलम को भूल जाओ। फिर 4 के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक साइन होता है, चाहे आप R1 से निकालो, चाहे आप C1 से निकालो, चाहे C2 से निकालो, कहीं से निकालो। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, तो इस पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टी आती है। यस, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जैसे आपको डिटरमिनेंट अच्छी नहीं लग रही, तो डिटरमिनेंट अच्छी नहीं लग रही, आप कह रहे यार ये रो 1 है, ये रो 1 नहीं होनी चाहिए थी, ये रो 2 की जगह होनी चाहिए थी, ऊपर नीचे होने चाहिए थे, कह रहे ये वहां होनी चाहिए थी, ये यहाँ होनी चाहिए थी, तो
चाहे दो रो या बात हो दो कॉलम को इंटरचेंज करने की, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सेकंड रो डेल्टा डिटरमिनेंट का साइन है, यस यतिन। डिटरमिनेंट की वैल्यू को लिखने के तीन तरीके होते हैं, एक डेल्टा लिख सकते हो, दूसरा तरीका होता है आप डिटरमिनेंट लिख दो ए करके, तीसरा तरीका होता है कि आप ए पे मॉडुलस टाइप का निशान लगा दो। तीनों का मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू होता है। तो अगर आपने आपने R1 की जगह R2 को करना और R2 की जगह R1 को, तो हम ऐसा साइन लगाते हैं। हम किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, आप R1 R3 को भी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रो को इंटरचेंज करोगे तो रो से ही करोगे, ये नहीं है कि आप रो 1 को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। आप R1 R3 को भी कर सकते हो और आप R2 R3 को भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, बहुत जबरदस्त डाउट आया है एक, कि सर आपको मैथ्स पसंद थी क्या? एक्चुअली बेटा थी नहीं, है लगा दो। मैथ्स पसंद है, मैथ्स पसंद है। मैं एक्चुअली मुझे मैथ्स क्या पसंद है, मैं तुम्हें आज सच्चाई बताता हूँ। मुझे ये पसंद है कि किसी को भी ना मैथ्स मुश्किल ना लगे। मेरा एम ये है कि इसे आसान बनाने की कोशिश कर, ये जो मुश्किल है ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है मैथ्स, डिफिकल्ट है मैथ्स। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, मैं आज बताता हूँ एक बड़ा कन्फेशन, कि मैं सोचता हूँ मैंने फिजिक्स भी आसान कर दू कभी कभी, पर मैं सोचता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसलिए फिर मैं नहीं पढ़ाता। चलिए जी, तो हम R1 और R2 को हम इंटरचेंज करेंगे, तो R2 आ जाएगा अब ऊपर और R1 आ जाएगा नीचे। तो अब ऐसा करने में डिटरमिनेंट में फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फर्क पता है क्या पड़ेगा? बाहर एक माइनस आ जाएगा। हाँ, बाहर माइनस आ जाएगा। तो आपने एक चेंज करा, एक चेंज का एक माइनस। अब कि एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो C1 को भी इंटरचेंज करूंगा, ये कह रहा है मैं C2 को इंटरचेंज करूंगा C3 से, तो इसकी वजह से भी एक माइनस और आ जाएगा। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा। C1 में कोई चेंज है नहीं, C2 चला गया C3 की जगह और C3 चला गया C2 की जगह, तो दो माइनस मिलने की वजह से प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये रूब्रिक्स की तरह नहीं होता जा रहा क्या? कुछ बच्चों के मन में ऐसी बात नहीं आ रही कि ये सब हम करेंगे ही क्यों, ये सब करेंगे ही क्यों? हाँ अभी तुम लोगों के बीच में मैंने ना कमेंट्स पढ़े नहीं है जो तुम लिख रहे हो। ओके सर, मैथ्स इसलिए पसंद थी कि इजी लगती थी या फिर टीचर अच्छे थे? ये तो समझ में नहीं आया। अभी ठीक लगती थी, जो चीज इजी लगेगी वो अपने आप ही अच्छी लगेगी। फिजिक्स को आसान, हाँ फिजिक्स आती है मुझे अच्छी, ठीक ठाक आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही बराबर आते हैं। इनफैक्ट अगर तीनों में देखा जाए मुझे सबसे वीक मेरे को मैथ्स आता है, सबसे अच्छी मुझे केमिस्ट्री आती थी, फिर फिजिक्स आती, फिर सबसे कम मुझे मैथ्स आता है। A11 को A2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए काव्या का डाउट बड़ा वैलिड है अभी। डाउट यह है कि सर क्या हम एलिमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं? नो, अगर हमें रिप्लेस करना है तो पूरा का पूरा रो को दूसरी रो से करेंगे या कॉलम को कॉलम से करेंगे, ठीक है? यस सर, श्रद्धा ये क्या? अच्छा चलो भाई, अब ये बताओ क्या ये वाली बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश, चार बच्चों को समझ में नहीं आई, बताएंगे कौन कौन है वो? अभी चार बच्चों ने आंसर भी नहीं दिया है, छह। जल्दी से बताओ भी कौन कौन है। अर्जुन एक बार दोबारा बता दो प्रॉपर्टी टू। ओके अभी बताते हैं, ठीक है। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, जिक्स भी पढ़ा दो अभिनव, शाबाश। कॉलम वाला समझ में नहीं आया, ठीक है अभी बताते हैं, जिसका जो डाउट है वो बताते रहो। तो सर हमें बार बार करना पड़ेगा रो के लिए अलग कॉलम के लिए? हाँ पूर्वा ऐसी बात है सर, आपकी क्लास की स्टार्टिंग इसी से हुई है, बिल्कुल इसी से हुई है सर। मगर ये जो एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या ओरिजिनल एलिमेंट का साइन साइन पोजीशन की वजह से रहेगा? ठीक है,
और साइन जो होता है वो पोजीशन का होता है, एलिमेंट का नहीं होता, ठीक है? तो जो पोजीशन है उसकी वजह से प्लस माइनस लगेंगे। सर हम C1 को C3 एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अर्जुन मैं ये बता रहा था, जैसे आपने ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, आपने R1 को लिख दिया R2 की जगह, R2 को लिख दिया R1 की जगह, ठीक है? तो आप देखो ये R2 ऊपर आ गई और R1 नीचे आ गई, तो इसकी वजह से बाहर एक माइनस आ जाएगा। अच्छा ये शर्मा पूछे हैं, सर नया साइन असाइन होगा ना? देखो अब ये इसकी पोजीशन 1 1 है, तो 1 1 के अकॉर्डिंग इसका साथ साइन प्लस का ही लगेगा, तो जो पोजीशन होती है साइन उसी के अकॉर्डिंग लगता है। अब 2 के साथ माइनस लगेगा। सर क्या नेगेटिव साइन जितनी बार हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे उतनी बार चेंज करना होगा? ऊर्जा बिल्कुल सही बात है, जितने चेंज उतने माइनस, जितनी बार आप चेंज करोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार तो आया था ये R1 R2 की वजह से, दूसरा आया C2 और C3 की वजह से। सर बाहर माइनस का ही लगेगा, हाँ साइन करेगा माइनस का। रिपीट द साइन कंसेप्ट। देखो बात ये है साइन कंसेप्ट की, मैं बताता हूँ, बच्चे बताते हैं, डाउट आए डाउट आए, तो इसका मतलब उन्हें दिक्कत आ रही है। कोई बात सर, तो हम बाहर माइनस लगा क्यों रहे? ये लड़की बढ़िया डाउट पूछती है, बाहर माइनस ही लगेगा। प्लीज रिपीट द कंसेप्ट, सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? सर एक क्वेश्चन करवा दो। ओके कृष्णा ये बात भी सही। देखो भाई अभी ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो तुम बिंदास पर बाहर एक माइनस है, आप टेंशन फ्री होके जैसे नॉर्मली डिटरमिनेंट करते हो वैसे ही सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल 6 लिखोगे, रो और कॉलम को भूलोगे, माइनस लगाओगे, 0 के साथ रो और कॉलम को भूलोगे, फिर +4 आएगा, फिर रो और कॉलम को भूल जाओगे। अभी अक्की में सबके डाउट देखने वाला हूं, बढ़िया बढ़िया डाउट सारे, इतनी बातचीत करोगे समय थोड़ा लग जाएगा, बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पर समय लग जाए क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, जितने अच्छे डाउट होते हैं ना उतनी क्वालिटी आती चली जाती है। हाँ भाई ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? लकी सर ये माइनस लगा क्यों रहे हैं? ओके एक बच्चा कह रहा है ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं, ये सब मतलब बोले तो इंटरचेंज करने की जरूरत ही है, उसमें बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। ओके ऐसा होता है बेटा, आगे है ना, अभी तो ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास में प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रूविंग के क्वेश्चन में क्या होता है, जुगाड़बाजी फिट करनी होती है, वो ट्रिगो होती थी ना ट्रिगो। अब ट्रिगो में क्या होता था, एक LHS होती थी एक RHS होती थी। अभी LHS RHS LHS RHS लाते थे या RHS LHS लाते थे, तो बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, कभी रैशलाइज करो, कभी क्या टेन को साइन अपॉन कॉस लिख लो, एलसीएम ले लो, कभी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर, तो क्या प्रूव डेट वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ करना पड़ता है चीज को। अब आप देखो जैसे आलू है, आप आलू के चिली पोटैटो ही बना सकते हो, चिप्स बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, पराठे पूरी कचौड़ी 50 चीजें बना सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने डिमांड क्या करी है, जो चीज हमें बनानी पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना पड़ता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज की जरूरत आगे पड़ेगी। तो अगर मैं कभी जब मैं आगे कभी R1 ये कहूंगा कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, जब ये कहेंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, तो उस मोमेंट पर हम बाहर एक माइनस लगाएंगे। मैं कहूंगा C1 और C2 को इंटरचेंज कर लो, तो उस मोमेंट पर हम बाहर उन्हें इंटरचेंज भी कर लेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड है वो मैटर करता है, और जो मैटर करता है उसे लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे अंडर द रूल्स, जो रूल्स हमें जिन रूल्स को कि हमें परमिशन मिली हुई है, हम उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अर्जुन ने सॉल्व कर दिया, -28 आ रहा है, जो आ रहा है अच्छी बात है भैया। हाँ बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अब एक काम कर सकते हैं, चलो यहाँ पे हम एक एक काम करते हैं कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, तो बॉयज आप लोग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और गर्ल्स बाहर माइनस लगाया है मैंने, माइनस लगाने के बाद मैंने एक्चुअली
आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर लिया है। तो गर्ल्स आप लोग इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितनी आती है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा दो, दिखा दो नहीं अभी तो करो आप लोग। ठीक है, खाली आपका समय शुरू होता है, बॉयज एंड गर्ल्स सारे सारे स्टार्ट हो जाओ एकदम तेजी से। बढ़िया, संचिता ने कोई आंसर नहीं दिया है अभी तक, लड़की होगी तो यहीं पे क्या है वो बढ़िया करती है। ओके, शोभे श्रद्धा शाबाश विशु, एक दो बच्चे छुट्टी पर है। लकी कौन से आंसर बेटा गलत आ रहा है आपका? अंश शोभित करेक्ट आंसर है, बॉयज ने दो आंसर दे दिए हैं, तीन बॉयज ने आंसर दिए हैं वैसे तो, एक का गलत है, दो के सही है, इनफैक्ट दो के गलत है दो के सही है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने ये कहा यतिन कि आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। ये जो है कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा कौन है, हु इज कार्तिक शर्मा? नाम बताया, ये कार्तिक शर्मा बच्चा कौन है? ओके ठीक है, अब सही है कार्तिक के। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है यहाँ पे। हम पहले मुझे ये बताओ क्या इसकी वैल्यू माइनस का 28 आ रही है, और यहाँ यहाँ वाली वैल्यू 28 आई होगी बाहर के माइनस की वजह से, ये भी माइनस का 28 आई कि नहीं आई? कृष्णा बेटा देखो जरा, प्लस माइनस का लोचा हो रहा है मुझे लग रहा है, दोनों से माइनस 28 आ रही है कि नहीं आ रही है? माइनस 28 ही आ रहा है। ये बच्चे डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं बार बार? पीयूष बेटा तुम भी रिप्लाई करते रहो चैट बॉक्स में, पता तो लगे तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब फर्स्ट पे तो 28 आ रहा है, अर्जुन पक्की बात है माइनस 28 तो नहीं आ रहा, देख लो। ठीक है चेक करें, करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। बिल्कुल माइनस 28 आना चाहिए, फर्स्ट वाले में माइनस 28 ही आएगा, सेकंड में माइनस 28 आएगा, कैसे निकाल लो? दोनों से माइनस 28 आएगा, 28 कैसे आ गया? कोई गलती हुई है बेटा, चेक करो। बहुत बढ़िया, 28 आना चाहिए माइनस का। तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करी, हमने इंटरचेंज करके वैल्यू निकाली, और कृष्णा देख लो बेटा माइनस 28 आ रहा है। ठीक है, तो हम तो इंटरचेंज करके निकाले थे वैसे निकाले, 52 नहीं आ रहा है। अब देखो तुम्हारे लिए कुछ खुशी की खबरें आने वाली हैं, उसमें सॉल्व करने पर चाहे कैसे भी करो माइनस 28 ही आ रहा था, कोई मिस्टेक हो रही होगी जिसका माइनस 28 नहीं आ रहा है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, देखो कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, टेंशन खत्म करने वाली, इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी जब जब ऐसा होगा। इसमें क्या है बच्चों कि जब भी कोई दो रो एक जैसी नजर आ जाए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोलो दो रो एक जैसी है आंसर जीरो आएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, मैंने देखो सॉल्व नहीं करा, मैंने कहा जीरो आएगा, तुम लोग चेक करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो है नहीं मैजिकल चीज, देखो 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 जल्दी से। सर आप पर भरोसा, भरोसे वाली बात नहीं है, फिर एग्जाम में कोई भरोसा नहीं चलेगा। अर्जुन वेरी गुड बेटा शाबाश। अब आप ये देखो, देखो एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करो, देखो सारे बच्चे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस शर्मा जीरो ही आ रहा है, ओके सर जीरो, सर जीरो हो गए, बताओ बच्चे कहने सर जीरो है। ठीक है भैया हम जीरो है, कोई बात नहीं, हमें जीरो कर दो तुम।
सर एग्जाम में भी यही कर सकते हैं, अरे लिख सकते हैं मेरे लाल, लिख सकते हैं संचिता गुड सक्षम, आपको बस वहां पे पता है क्या लिखना है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब सही है, देखो अंश गौर लिख रहे हैं, सर आंसर इज 0, बच्चों ने लिख दिया सर 0। सर R1 एंड R2 में ये लागू नहीं होता, R1 और R2 में लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि R1 3 to 3 है और R2 2 to 3 है, लेकिन R1 और R3 एक जैसे इसलिए लागू होता है। सर कॉलम भी सेम हो तो 0 लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज मैं रो के लिए बता रहा हूं वो सारी प्रॉपर्टीज कॉलम पर भी एप्लीकेबल है। विनय गोयल कह रहे हैं अगर सेम हो जाए तो बेटा जो कोई भी दो सेम हो जाए बात खत्म, छुट्टी लिखने की जरूरत नहीं, मारो फेंक के 0, सीधे बोलो तुम्हें, मुझे समझ नहीं आया कैसे सॉल्व होगा। श्रद्धा तुम बेटा तुम लेट आए, तुमने वीडियो भी नहीं देखी, अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वैसे ही काम होगा, अब या तो वीडियो देखना पहले लास्ट क्लास की तब क्लियर होगा। मेरे मारो फेंक के 0 बिल्कुल। सर अंश गौर का डाउट आ रहा है, एक बात आ रही है, सर कैन वी से दैट इफ नन ऑफ द रो और कॉलम इज सेम देन डिटरमिनेंट इज नॉट 0। नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो दोनों सेम है तो 0 पक्का आएगा, लेकिन नहीं भी है तब भी 0 आ सकता है। सर 15 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, हमें क्या फर्क पड़ता है 15 मई तक हो चाहे अगले साल तक हो, हमें कोई दिक्कत है बताओ, हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए जी ये वाली बात क्लियर हो गई, मुझे लग रहा है अब तक सबसे ज्यादा क्लियर यही वाली प्रॉपर्टीज है। नहीं कृष्णा जो तुम्हारे सर कह रहे थे वो फिजिक्स वाले कि मैं पुलिस वालों के चरणों में लेट जाऊंगा और कहूंगा मैं पढ़ाना है मुझे पढ़ाने दो, तो अब वो क्या कह रहे हैं? क्या बता दो अभिनव बिरला क्या कह रहा है, क्या बता दो बेटा क्या बताने को कह रहे हो? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तो भी, अरे तुम कहाँ सो रहे थे इतनी देर से भाई, हैं एक बच्चा कह रहा थर्ड प्रॉपर्टी बता दो, नहीं तब कहाँ गई सेफ्टी बेटा। सर आवाज बेटा बेटा इंतजाम रखा करो, देखो अगर कोई दो रो सेम हो जाए ना तो डिटरमिनेंट 0 हो जाती है, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो 0 हो जाती है। ओके हाँ चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग में से देख लेना, रिकॉर्डिंग का लिंक हम आपको भेज देंगे। अब देखो भाई नई प्रॉपर्टी, देखो नई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आप ये देखो डिटरमिनेंट में, केयरफुली सुनना, डिटरमिनेंट में कॉमन, पूरी डिटरमिनेंट में से लेने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट में से कॉमन एक रो में से भी ले सकते, इनफैक्ट एक रो में से या एक कॉलम में से ही लेना होता है। जैसे फर्स्ट रो में से मैंने 6 कॉमन लिया, फर्स्ट रो में से लिया, सिर्फ फर्स्ट रो में से, ये अलाउड है, मैट्रिक्स में नहीं ले सकते, मैट्रिक्स में लेना है तो पूरे मैट्रिक्स में से लेना होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में लेना है तो आपको सिर्फ एक रो में से कॉमन लेना है या एक कॉलम में से लेना है, 1 by 1 लेना है। आप ये देखो आपने 6 कॉमन लिया है 17 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, और अभिनव बिरला आपकी जो प्रॉपर्टी पीस हो गई थी वो दोबारा यूज हो रही है, और हम ये कह सकते हैं कि R1 और R3 दोनों कैसे हैं, बिल्कुल बिल्ला जल्दी बोलो R1 और R3 कैसे हैं, सेम, बताओ बताओ जल्दी बताओ सेम, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। वर्ड अच्छा बोला है अर्जुन अमीशी, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है बिल्कुल, इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0।
तुम्हार को डिटरमिनेंट में पूरी जान लगा देनी है। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिल्कुल। डिटरमिनेंट में पूरी जान लगा दो कि जीरो लानी है। तो कार्तिक के कह रहे हैं सर कॉमन कैसे आया? देखो ऐसा है, मैंने सिर्फ इसमें से कॉमन निकाला है, इसमें से आर्वन में से कॉमन निकाला। तो देखो 6 कॉमन निकाला इन तीनों में से, 6 3 18 3 आ गया, 6 6 36 आ गया, और 6 7 3 102 आ गया। लैंग्वेज के चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इसलिए जो बताया जाए वो सबसे आसान, सिंपल सी बात याद रखो। ये बताओ जो बताया गया वो समझ में आया कि नहीं आया? और चिंता मत करना, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कभी नहीं कह रहा था वो वाली प्रॉपर्टी निकालो ये निकालो, जो बता रहा हूँ उतने से काम होगा। मैं बहुत प्रॉपर्टी कटवाने वाला हूँ तुम्हारी, काम आसान करने के लिए। सिंपल सी चीज है, कॉमन निकालना है तो किसी रो में से निकाल लो या किसी कॉलम में से निकाल लो, ठीक है? आज वीडियो भी ऑन किया, हमें पता ही नहीं इतनी देर से वीडियो ऑन हो रही है। अच्छा जी, ये कह रहे सर जैसे पहले हमने 6 कॉमन ले लिया, फिर क्या हम C2 से 3 और C3 से 2 भी एक साथ कॉमन ले सकते हैं? यस 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 यस, बिल्कुल कॉमन आप ले सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी। वन बाय वन लेंगे, एक बार एक रो में से लिया, फिर आप कॉलम में से लो, रो में से लो, जैसे मर्जी लो। लेंगे लोगे तो हमेशा पूरे के पूरे लोगे तो हमेशा पूरी की पूरी रो या कॉलम में से। हाँ सर अभी हुई थी बस। अच्छा ठीक है सर, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं ना, ऐसे जैसे कॉमन निकाल सकते हैं ना? हाँ देखो जो प्रॉपर्टी मैं आपको रो के लिए बता रहा हूँ वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। बच्चे कह रहे हैं सर एक से ही कॉमन लेना है एक टाइम में, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से कॉमन आ रहा है ले लिया, कहीं और से कुछ आ रहा है ले लो, कहीं और से आ रहा है ले लो, तीनों जगह से आ रहा है ले लो कॉमन, तो बस इतना करना है। रो में से ले लो तो रो में से लेना, कॉमन अगली बार कॉलम में से लेना है तो आगे करके लेना। अच्छा, चलो आगे देखते हैं भाई। ये प्रॉपर्टी खतरनाक सी है थोड़ी सी सर, वो पॉजिटिव होगा या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई होगा विद गुड डाउट, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई मिल जाए ऐसा क्वेश्चन जिसमें डबल कॉमन कॉमन आ रहा हो। भाई एक अच्छी प्रॉपर्टी है, सीखोगे बोलो? एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बोलोगे सीखोगे तो बताओ। ये प्रॉपर्टी मस्त प्रॉपर्टी है, ऑप्शन है, मर्जी है, सीखो बस सीखो। देखो ऑप्शन तो बच्चों के पास हमेशा होता है, सिखाओ ठीक है, वो तो सीखो, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बेहतरीन। ये बच्चों की कम समझ में आती है जनरली वैसे, बट इसको हम ट्राई करते हैं, जुगाड़ निकालते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये देखो आपके पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, लेकिन ये जो आपके पास R2 है ये इसमें थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या मतलब, R2 में एलिमेंट नहीं, दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल, ठीक। तो क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल है, डबल एलिमेंट्स है, तो जिसमें डबल या ट्रिपल स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, डबल या ट्रिपल, तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि ये ऐसा रो में ना हो रहा हो, कॉलम में हो रहा हो, ऐसा करो कुछ। ऐसा करना तुम्हें आता है, मैं बताता हूं, तुम सब हनुमान जी की कैटेगरी में हो, तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलानी पड़ती है। तो मैंने क्या करा, इसे रो ट्रांसपोज कर लिया बिल्कुल, और हमने बच्चे कह रहे हैं ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लिया, और हमने क्या किया, क्या किया,
R1 हो गई C1, R2 हो गई C2 और R3 हो गई C3। ये हमने किया प्रॉपर्टी वन से, आज ही सिखाई कि कभी भी हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ बच्चों, बताओ बताओ क्या ये समझ में आया हमने करा किसी को, किसी को क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, अभी पता लगाते हैं। चलो जी बताओ बताओ, यहां तक सब क्लियर है? नौ बच्चों को क्लियर नहीं है अभी भी, जल्दी जल्दी जल्दी। चार बच्चे अभी भी नहीं बता रहे हैं, जल्दी से बताओ, नाम बताने पड़ेंगे वरना मुझे फिर उनके। ऐसा किया क्यों? एक बच्चा अभी भी है, कोई ब्लैक शीट, चलो बाद में देखूंगा ये। जी तुम्हारा रिजल्ट, ओके। अब बात ये आती है ऐसा किया क्यों, तो मेरे बच्चों आप ये देखो, ये जो C2 है ध्यान से देखना, ध्यान से, पहले कहा था ये बच्चों को थोड़ी कम समझ में आती है। C1 ओके है, C2 ओके है, बट ये जो C2 है इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं, दो डिटरमिनेंट, एक रो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को स्प्लिट किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट कि कॉलम को स्प्लिट करो, बहुत आराम से होता है। जैसे पहले में लिख दिया C2 का फर्स्ट पार्ट और दूसरे में लिख दिया C2 का सेकेंड पार्ट, एक बार में एक ही करेंगे ये तो सही है। और C1 में कोई इश्यू नहीं था तो इसलिए C1 को लिख दिया दोनों में, और C3 में कोई इश्यू नहीं था तो C3 को लिख दिया दोनों में। तो एक तरह से हमने C2 को स्प्लिट कर दिया, C2 को स्प्लिट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? हमने C2 के बेस पर डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर दिया, और मान लो इसमें तीन तीन एलिमेंट्स होते ना तो हम इसे तीन जगह स्प्लिट कर सकते थे। ऐसा करने से डिटरमिनेंट की सेहत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सुजल पहली बार बोल रहे हो आज तुम, ऐसा करने से डिटरमिनेंट की सेहत पे वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्जुन पूछ रहे सर प्लस क्यों करेंगे? बेटा बीच में प्लस का निशान है इसलिए प्लस करना है। अब ऐसा करने का फायदा खुल्ला खुल्ला नजर आ रहा होगा आपको कि C1 और C2 आइडेंटिकल हैं। एक मिनट, अभी बता रहे अंबिशी तुम्हारी बात, कैन वी सेपरेट आवर सेल्फ? बिल्कुल आपको ही करना है। एक मिनट, एक भी बहुत सारे, एक मिनट, आप लोगों ने बातें लिखी है, मुझे वन बाय वन चेक करना होगा। हर्षित मित्तल जीरो आएगा, यश वर्मा सर फिर तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, पहले वाले के दो कॉलम सेम है तो जीरो हो जाएगा। हाँ विनय ठीक कह रहे हो आप, कैन वी सेपरेट आवर सेल्फ, बिल्कुल कर सकते हैं। अमीशी ऐड करने पर, ऐड करने पर भी जब आप दो डिटरमिनेंट को ऐड करते हो तो सिर्फ एक कॉलम या एक रो ही ऐड होती है, और वो भी तब हो सकती है जब बाकी दोनों सेम हो। सो ऐड करने का ऑप्शन तो बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा। इसमें ऐसे मैट्रिक्स की तरह ऐड नहीं होते। अच्छा विशु ये पूछ रहे हैं, विशु का एक बहुत बड़ा डाउट है, अभी ये मुझे बताना पड़ेगा। अमीशी एंड विशु के डाउट मुझे अभी बताने हैं, मीन वाइल मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाले में दो कॉलम लेंगे फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है सुनो भाई,
विशु का डाउट ये है कि सर अगर अगर और मगर, अगर यहां मान लो माइनस होता, एक मिनट इरेज करते हैं पहले इसको, कहते हैं सर अगर यहां माइनस होता एक तो हम क्या करते, तो हम यहां पे माइनस लगा देते, हमें क्या फर्क पड़ता है प्लस माइनस से, कोई मुश्किल बात है उसे हम, आप ये बताओ बी माइनस टू आई, क्या आप बी माइनस टू आई को बी प्लस माइनस टू आई नहीं लिख सकते? अंश गॉड यस, जो तुम पूछ रहे हो यस, ठीक है। देखो अभी अभी हमने आपको डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना सिखाया है। शोभित गौतम सर सी टू के एलिमेंट्स की कंडीशन है ना, है क्या कंडीशन है? मल्टीप्लिकेशन आईआईटी सिलेबस में, जेई के सिलेबस में है, वो है नहीं, वो बहुत खतरनाक बहुत मजेदार चीज है वो, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन का स्प्लिट करना बहुत कमाल की चीज है, बट नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। शोभित तुम्हारा डाउट मुझे क्लियर नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, जरा बताओगे क्या कह रहे हो? मुझे क्लियर नहीं हो रहा था क्या कह रहे हो? तो सी टू के एलिमेंट्स की कंडीशन, बताओगे शोभित जल्दी से? सी वन के एलिमेंट्स प्लस सी टू के एलिमेंट्स का सम, यस अभी बताते हैं, चलो क्या कह रहे हो तुम, ट्राई करता हूँ। हाँ भाई मैं ये बता रहा था कि एक प्रिपरेशन कहाँ करोगे बेटा तुम लोग, अभी सब बताते हैं एक एक करके, सुनो इस वाली प्रॉपर्टीज पे टेक योर टाइम, आराम से समझो। पहली बात, अगर हमें डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना है तो किसी एक रो या कॉलम से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, बाकी दो एज इट इज रहेंगे, जैसे कि ये ए बी सी और एक्स वाई जेड है, ये एज इट इज रहे, और हमने सिर्फ सी टू के बेस पर स्प्लिट किया। कॉलम की प्रेफरेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉलम में विजिबिलिटी क्लियर रहती है, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, दो डिटरमिनेंट में एक में फर्स्ट को डाल दो एक में सेकंड को डाल दो, तो रो में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, गलती कर दोगे आप लोग स्टार्टिंग में, बाद में आप चाहे रो से करना चाहे कॉलम से करना, इट्स ऑल योर चॉइस, बट स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कॉलम के बेस पर स्प्लिटिंग करें। हाँ जी, अब बात आती है अगर मैं इनको प्लस करना चाहूं तो दो डिटरमिनेंट को प्लस करने के लिए उनकी दो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, सिर्फ एक कॉलम के बेस पर ही आप उन्हें प्लस कर सकते हो। ओके, तो जो रूल लेफ्ट टू राइट के लिए है वैसे ही रूल राइट टू लेफ्ट के लिए भी है, ऐसा नहीं कि अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो सब प्लस होते चले जाएंगे, प्लस करना है तो एक बार में एक ही कॉलम प्लस होगा, इज दैट क्लियर? देखो अभी तुम स्प्लिट करना सीखो, प्लस का क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा जब पढ़ेगी नहीं वैसे उसकी। सर ये रो के लिए भी एप्लीकेबल है? यस, जो बात कॉलम के लिए वो सब रो के लिए एप्लीकेबल है। अभी अभी आपने अगर इसको स्प्लिट करने की सोची तो पहले मैंने क्या किया, एक बार फिर से सुन लो, एक बार मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसको ट्रांसपोज करा और मेरे मन में ये आया मैं स्प्लिट करूंगा बट कॉलम के बेस पर, मैं सी टू के बेस पर स्प्लिट कर रहा हूं ना, मैं सी वन को टच करूंगा जैसे है वैसे ही लिखूंगा, और ना ही मैं बिना ट्रांसपोज किए भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या देखना आसान पड़ जाता है और कुछ नहीं। कैन वी राइट टू जेड प्लस सी? है हाँ लिख सकते हो एज योर चॉइस, अंश मर्जी आपकी, एलिमेंट्स तो आपके हाथ में, जैसे मर्जी लिखो। और ये देखो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो जीरो, यहां से टू कॉमन आ रहा है
और कॉमन किसी एक रो में से या कॉलम में से लिया जाता है। अगर आपको कॉमन लेना है तो पूरी डिटरमिनेंट में से नहीं लेंगे, सिर्फ एक रो या कॉलम में से लेंगे। ये जीरो आ गया, पूरा आंसर जीरो हो गया। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से यहाँ तक। सर अगर दो रो या कॉलम से कॉमन लेना हो तो एक टाइम में नहीं लेंगे, वो काउंट एक एक का ही करा जाएगा। आप दो को ले लो, चार में से ले लो, सब में से ले लो, पर एक बार में एक में से ही काउंट किया जाएगा। अब इसे देखो जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बताता हूं यहां पे। देखो भाई, आपके पास चॉइस है, मैं आपको दिखा देता हूं मेरे दिमाग में कौन कौन सी चॉइसेस चल रही है। सर मैट्रिसेस के साथ रिलेट कर देता हूं मैंने, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में बहुत झमेला है, अलग अलग है। आप देखो, आप चाहो तो सी टू के बेस पर इसे स्प्लिट कर सकते हो, या आप सी थ्री को देखो, अगर सी थ्री के बेस पर स्प्लिट करोगे तो कितने डिटरमिनेंट बनेंगे बताओ। अगर हम सी थ्री के बेस पे स्प्लिट करें तो कितने डिटरमिनेंट बनेंगे? दिया, शाबाश, नव्या, अमीशी, अंशलक, बच्चे एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, बच्चे जो है डायरेक्ट मैसेज करना पसंद करते हैं, पब्लिकली आना पसंद नहीं करते। ठीक है, सबके आंसर सही है, एक बच्चे ने भी गलत नहीं करा। हर्षित मित्तल, नो, कुछ गड़बड़ कर दो आप। तो देखो, अब पहली डिटरमिनेंट में बना रहा हूं तो उसमें ए 2a, 3a, a plus b, 3a plus 2b, 2b और अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा प्लस a 2a 3a, a plus b, 3a plus 2b, 6a plus 3b, और अब की बार आएगा b, 3b, 6b, plus a, 2a, 3b, a plus b, 3a plus 2b, 6a plus 3b, फिर c, 2c और 3c। अगर आप चाहो तो फर्दर आप चाहो तो इसको और दो में स्प्लिट कर सकते हो। यस और नो बताओ, इज दिस क्लियर? और इसको भी करोगे तो इसमें से भी इसको दो में और कर सकते हो, इसको भी दो में कर सकते हो, तो टोटल छह जगह हो सकता है अभी भी ये स्प्लिट। टोटल लंबा हो जाएगा, हाँ लंबा तो हो जाएगा, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, बट अभी हम प्रॉपर्टी समझना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का यूज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर देन हाउ कैन वी एड, एड करने का तरीका भी वही रहेगा कि एक बार एक कॉलम के बेस पर, जब खत्म हो जाए तो फिर दूसरे कॉलम के बेस पर, मिक्स नहीं करेंगे जैसे अभी हमने स्प्लिटिंग करी। आप ये देखो, जब हम इसे स्प्लिट कर रहे थे तो हमने C3 के अकॉर्डिंग करा, अब हमें फर्दर स्प्लिट करना है तो C2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक बार में स्प्लिटिंग जो होती है वो एक कॉलम के बेस पर होगी या एक रो के बेस पर। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बताओ बच्चों? यहाँ पे हम पूछ लेते हैं सारे बच्चों से कि क्या ये क्लियर है या नहीं है। बहुत अच्छे, पता चल रहा है। चलो विशु, बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं आपका पढ़ाया क्रिस्टल क्लियर होता है बेटा, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। बस कोशिश रहती है बाकी आप लोगों की समझने की, यही तो बात, आप लोग मन से पढ़ते हो तो क्लियर हो ही जाता है। बाकी बच्चे बता दो भी। सर ये सेम है तो हम तीन करके एक बारी नहीं कर सकते?
सर ये सेम है तो हम इंटू तीन करके, नहीं सेम नहीं है बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि ये सेम है, हमने ये नहीं कहा कि ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है ये नहीं कहा, ये तीन में ब्रेक हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, ये कहा है। ठीक है, इसके बाद सर इसके बाद एक बार और स्प्लिट होगा, हो सकता है, करो या मत करो वो अलग बात है, अभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं एक बार और। सर इफ नो रो नो टू कॉलम आर सेम देन हाउ कैन वी एड, हम कर ही नहीं सकते फिर एड। हिमांशु कौन सी बात समझ नहीं, एक बार मुझे बेटा बता दो, मैं अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कौन सी समझना चाहते हो? लास्ट पार्ट वाली बात। ओके देखो हमने क्या करा, C1 को लिखा, बाकी दोनों सेम, C2 को लिखा, बाकी दोनों सेम, C3 को लिखा, बाकी दोनों सेम। बात समझ में आई कि नहीं आई? C1 को लिखा, ये देखो ये लिख रहे हो, इसको लिखा, बाकी दोनों सेम, फिर इसको लिखा, बाकी दोनों सेम, फिर इसको लिखा, बाकी दोनों सेम। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो और कहानियां हैं, जरूरी तो नहीं है कि ये सारे आंसर 0 ही आए, जरूरी नहीं है कि ये 0 आए। ठीक है, तो ये 0 आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। हाँ ये जरूर है कि आप यहां से चाहो तो ए कॉमन ले सकते हो, यहां से ए कॉमन ले सकते हो, यहां से ए कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से ए कॉमन, यहां से सी कॉमन, तो कॉमन लिया जा सकता है। आप ये देखो ना, A2A3A में से ए कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, A4A10A में से ए कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी सेम यहां पर रहेगा, यहां से बी कॉमन आ जाएगा, यहां से सी कॉमन आ जाएगा। कॉमन वाली बात बताओ सर, अगर दो रो में से कॉमन ले रहे हैं तो ए स्क्वायर होगा, बिल्कुल ए स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात है, ये C1 का और ये C3 का, तो बचेगा क्या 1 2 3, ऐसे ए इन टू ए की वजह से ये हो जाएगा, बाद में यहां पे आ जाएगा फिर ए स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन तो देखो अभी मैंने सॉल्व करा ही नहीं, अभी से प्रॉपर्टी सिखाई है। अब आती है इस एक्सरसाइज की वन ऑफ द बेस्ट चीज, बेस्ट चीज, हाँ 5 मिनट तो रहते हैं, बेस्ट चीज आती है, बेस्ट चीज मुझे दिखने दी, ये रही है सब। देखो भाई बेस्ट चीज सुनो, ध्यान से सुनना, एक बार आज बताएंगे, एक बार नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। शोभित अभी तो वो क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं है, अभी तो उस क्वेश्चन का हमने यूज सिर्फ इसलिए करा था, हमने वो पिछले वाले क्वेश्चन को हमने बच्चों भी करा नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन का हमने यूज करा था प्रॉपर्टी समझने के लिए बस, उस क्वेश्चन का नंबर अभी लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लग रही है पहले वो तो समझ में आ जाए हमारे। तो पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, ये मेन प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी मान के चलो, ठीक है, इसके बाद तुम लोग ये इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज कर रहे हो तुम, सबसे डिफिकल्ट, और इस एक्सरसाइज पे होते ही ये समझ लो कि तुम 10 नंबर होल्ड करने लग जाओगे फिर एक बार ये समझ में आ जाए तो। पर सुनो पहले एक बात, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत खतरनाक बात है। ये होता क्या है बच्चों, ये आपके पास
C1 है, ये C2 है और ये आपके पास C3 है। C1 भी है, C2 भी है और C3 भी है। और हमें चाहते हैं कि हमने इतनी प्रॉपर्टीज सीखी, इतनी प्रॉपर्टीज सीखी, और आपको दिख रहा है कि जीरो आंसर लाना है। तो जीरो आंसर वाली प्रॉपर्टी मतलब या तो सॉल्व करो तो आ ही जाएगा, अदरवाइज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कम कम सॉल्व करना पड़े और फिर आ जाए। अब एक बच्चा कह रहा है सर कॉमन ले लो, बताओ किस में से क्या कॉमन लो, मुझे बताओ, मैं ले लेता हूँ कॉमन, बिल्कुल बताओ मैं ले लेता हूँ कॉमन, लो बताओ। कॉमन आ नहीं रहा तो बच वन कॉमन ले लो, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, लेजेंड, कमाल कर दिया ये तो, बहुत ही बेहतरीन, कॉमन तो आ ही रहा है, वन तो आ ही रहा है कॉमन, एक बच्चे ने सजेशन दिया है वन कॉमन ले लो। ये बात तो सही भी, मेरी गलती थी ना, मैंने बोला था कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसने कहा नहीं सर वन तो आ ही रहा है। हाँ हैवी ड्राइवर है ये, बिल्कुल हैवी ड्राइवर है, तो कोई बात नहीं, खैर बढ़िया बात बताई, बच्चे इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं क्लास को। अब मेरी बात सुनना, मैं ध्यान से सुनना, ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ या आज भी चलेगा? अरे मजाक है, बिल्कुल बिल्कुल मजाक कर रहे हो, मुझे मालूम अच्छे से, ये तो बिल्कुल दिमाग का यूज कराया आपने एकदम गजब का। सुनो भाई, और डीएवी सेफ्टवेयर वाले ऐसे काम करते रहते हैं, तो यहाँ देखो जरा कि मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ एक ही बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप डिटरमिनेंट में आपके पास एक शानदार चीज होती है, वो ये होती है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो। बहुत मजेदार और बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, किसी भी रो या कॉलम को चेंज कर सकते हो। कैसे? ऐसे एट द मोमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे C3 कुछ अजीब सा लग रहा है, सिर्फ C3 अजीब सा लग रहा है, यार C1 भी शरीफ है, C2 भी शरीफ है, C3 अजीब है। तो मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि C3 में कुछ चेंज कर दो। तो जिसको चेंज करना चाहते हैं उसे मैसेज लिख देते हैं कि मैं C3 को चेंज करना चाहता हूं। आप C3 में से किसी भी कॉलम को, चाहे वो C1 है चाहे वो C2 है, किसी और कॉलम को कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हो। C3 में से आप किसी और कॉलम का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हो। देखो इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, आपके सामने पेश है, मैंने कहा C3 में से 9 टाइम्स C2 को माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या आएगा देखते हैं। हम C3 में चेंज कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली सिर्फ C3 में चेंज कर रहे हैं, 9 टाइम्स C2 कर दो। अब देखो C3 में से इसका 9 टाइम्स माइनस करो, तो 65 में से 9 टाइम्स ऑफ 7 माइनस हुआ, तो 65 में से 63 माइनस हुआ, 75 में से 8 9 72 माइनस हुआ, 86 में से 9 9 81 माइनस हुआ। और ऐसा करते ही आपके डिटरमिनेंट की शक्ल बदल गई। विशु क्या हो गया बेटा, यू आर रेजिंग योर हैंड। और फिर हमें ये दिखा कि C1 और C3 तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होते इसकी वैल्यू हो गई 0। हाँ आंसर 0, यस यस। अब मैं जरा एक बार आइडिया लेता हूं कि सिचुएशन क्या है, बताओ
ये थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया। सर कैन वी सब्ट्रैक्ट कॉलम फ्रॉम कॉलम? हाँ देखो, कॉलम की बात है तो कॉलम चलेंगे, रो की बात है तो रो पे चलेगी। ओके अभी करते हैं। वैसे मैंने ये कहा था नेक्स्ट क्लास में भी यही प्रॉपर्टी चलेगी। चलो एक बार और बता देता हूं, हमने 9 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस नंबर से बेनिफिट ज्यादा है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना भी बच्चों, मैं C3 में चेंज करना चाहता हूं कि C3 में से 9 टाइम्स तो C2 को माइनस कर दो और C1 को भी माइनस कर दो और बोलो। ऐसा करने से क्या होगा सोचो, C1 में तो कुछ करा नहीं मैंने, C2 में भी कुछ करा नहीं मैंने, C3 में से C2 का 9 टाइम्स माइनस करा और C1 भी माइनस करा, मतलब 2 भी माइनस कर दिया। 75 में से 72 भी माइनस करा, 3 भी माइनस करा, 86 में से 81 भी माइनस करा, 5 भी माइनस करा। और ऐसा करने से चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, तीनों जीरो आ गए। और अगर कोई पूरा रो या कॉलम जीरो हो जाए ना तो वो भी जीरो होता है। देखो अभी की मेन बात ये हो सकती है, हाँ जी कितने सही डाउट पूछा है सर, हर क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, नहीं अभी की बात ये हो सकती है कि मैंने क्या किया ये समझ में आ गया, क्यों किया वाली बात अलग है। देखो क्यों किया में तो लगेंगे 3 दिन लगातार, अगली 3 क्लास नॉन स्टॉप चलेंगी इसी बात पे, मैं कभी कुछ करूंगा कभी कुछ करूंगा। हाँ ये है, अब एक एक आ रहा है बिल्कुल गजब का डाउट। डाउट ये है सर हम क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि C1 में चेंज कर दें, C1 माइनस C1? नो, मैंने यहाँ पे ये कहा था किसी और रो का कितने भी टाइम्स, किसी दूसरी रो का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता। आई सेड प्लस या माइनस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम को कितने भी बार प्लस या माइनस कर सकते हैं, ये कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, ये प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट क्लास में चलेगी जोर शोर से, और अगली क्लास में ये जबरदस्त जबरदस्त चलेगा। कैन यू प्लीज टेल सम ऑफ डिटरमिनेंट? सम ऑफ डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल टू स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके लेफ्ट टू राइट आएंगे ऐसे राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है ना, जरूरी नहीं है इंटीजर हो, रैशनल भी चलेगी, इरेशनल भी चलेगी, कोई भी रियल नंबर चलेगा। ओके हर्षित मित्तल, हर्षित मित्तल का डाउट ये है कितने भी टाइम्स में जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए क्या, ये नंबर कैसा होना चाहिए? वो कोई भी रियल नंबर चलेगा और कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, बट कॉम्प्लेक्स के सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है। तो कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी चलेगा, और चिंता मत करो, ये आज इंट्रोडक्शन हुआ है अभी इस प्रॉपर्टी का। आज डाउट क्लास लेनी है इसलिए हम इसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से चलेगी कहानी और शुरू से बताई जाएगी ये बात आपको। एक बार ये आते हैं यहाँ से डाउट आने शुरू हो गए भाई, और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बच्चों ने इस लीव करना भी शुरू, ये सही है बच्चे। ठीक है अभी जरा हम निकालते हैं डिटरमिनेंट का, एक मिनट लीव नहीं कर दें, डाउट डाउट पूछने हैं बेटा अर्जुन, जिसको अब डाउट सेशन है आज, जो डीपीपी दी हुई है उनके डाउट सेशन में बच्चे लेकर आए, जिनका कोई डाउट नहीं है वो लीव कर रहे होंगे। ओके लीव कर रहे हैं तो चलो देखेंगे, वो तो टेस्ट में पता चल जाएगा। DPP 5 क्वेश्चन 20, विनय गोयल DPP 5 बोले तो मैट्रिक्स का है डीपीपी, इतना ही बहुत है सर, सारी डीपीपी नहीं करी, जो डीपी के डाउट है वो पूछो। सर उस दिन जो क्वेश्चन भेजा था वो बता दो, उस दिन कौन सा, ये उस दिन कौन सा होता है,
ओके DPP5 क्वेश्चन 42, वेट मत, DPP5 ही निकालनी पड़ेगी सर। DPP डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है अभी नहीं होगा वो। DPP5 में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट मी ओपन दिस DPP5। लो जी ये है DPP5। हाँ DPP5 आ गया, ठीक एक करके देख रहे हैं। सुनो ये बहुत सारे आ गए, एक तो आया है क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44। सबसे पहले है क्वेश्चन 21, ठीक है 21 पहला डाउट आया है इसमें, पहले मैं 21 से स्टार्ट करूंगा। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक मिनट सुन लो भाई। 21 क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, जिसने भी डाउट पूछा है 20 भी है और 21 भी है, राइट ठीक है दोनों बताते हैं, ठीक बात है अभी बताते हैं, एक मिनट। तो हमारा पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी सही डाउट है। इसमें हमें करना क्या है बच्चों, कि विनय सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ए इंटू ए करेंगे और यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ करेक्शन है, यहाँ प्लस या माइनस आएगा। माइक ऑन करवाते हैं, हाँ माइक ऑन करो, ठीक है सर। अच्छा करेक्शन है क्या इधर, तभी मेरा इक्वल वो नहीं आ हाँ रहा। बेटा करेक्शन है, इसमें अब मैंने प्लस या पहले माइनस है एक कुछ? क्यूब को निकाल, बता दो सर फिर अभी मैं हाँ करूँ क्या। बेटा यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा कुछ, अच्छा ठीक है ओके ओके ठीक है सर। ओके बेटा ठीक है। इसके बाद आता है अगला डाउट 21, जिसका भी है तो बच्चे जिसका भी 21 डाउट है वो ये देख लो, ये लिख लो और ये हमेशा याद रखना, 1 + ω + ω² 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 हो या ओमेगा की पावर 6 हो या ओमेगा की पावर 9 हो या ओमेगा की पावर 3 * कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्ट इस क्वेश्चन में 21 के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा इन दोनों का, और ये बहुत बहुत काम की चीज है बेटा, 11th में सिखाई नहीं जाती, 12th में पूछ ली जाती है, बच्चों को इससे दिक्कत आती है। जिसका भी डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ पहले तो। और 19 क्वेश्चन भी है किसी ने पूछा है अभी, 19 किसका है, 19 में क्या है देखें। अरे इसको तो मल्टीप्लाई करना है बस, सर मेरा आ रहा था 1 + 2 ω² + ω³ + ω⁴, तो मेरा जीरो एक आएगा मिनट फिर एक मिनट, 1 + 2, ω² + ω³ + ω⁴ पावर नहीं। हाँ +ω⁴ ये आया याद था मेरे था। को ऊपर अब वाला। देखो हाँ ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा, ठीक है देखते रहना, और इस ω⁴ को लिख सकते हो ω³ * ω, तो ω³ 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ ओमेगा, ठीक है तो 1 + 1 मिलकर हो जाएंगे आपके 2, और 2 ω² + ω। अब एक बात देखो, वैसे तो मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हुई है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि आप यहां से देखो 1 + ω + ω² और एक बचेगा 1 + ω² तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 1 + ω² जिसको लिख सकते हो -ω। कुछ पता चला बेटा बताओ बताओ, और अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो एक तरीका और भी है, एक तरीका और ये भी है कि आप यहां से 2 कॉमन ले लो, बन जाएगा 1 + ω²
और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस का ओमेगा। माइनस का क्यों? सिर्फ वन प्लस आप ये ओमेगा को क्या देखो, लिख सकते? वन प्लस ओमेगा को लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहां से देख लो ना, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे निकाल लो। इन्वर्सिटी को क्या अभी कोई डाउट नहीं लिए जाएंगे आज? अभी इन्वर्सिटी को नहीं, इन्वर्सिटी को अभी सबका हुआ नहीं है। जब इन्वर्सिटी को सबका हो जाएगा तब लेंगे इन्वर्सिटी को के डाउट। हाँ समझ में आ गया बेटा? नहीं ठीक है सर। हितेश यहां से वैल्यू निकालो बेटा, यहां से निकालो जो वैल्यू चाहिए। ठीक है इसके बाद में 40 बता रहे हैं बच्चे, 40 पूछा, 41, 42। अच्छा ठीक है, और भी बच्चे बता रहे हैं कुछ, 42, 43, 44, 42, 43, 44। देखो 42 मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली ये आपका बिल्कुल सही डाउट है। अगर हमें एफ ए निकालना है तो एक्स की जगह ए लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगले में देखो, हमें एफ ए निकालना है तो ये ए क्यूब माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है सर, बीच में क्वेश्चन क्यों गायब है? बीच के क्वेश्चन सिलेबस के नहीं थे इसलिए हटा दिए गए। ठीक है, इसके बाद आता है 50। ओके 50 बताते हैं अभी। ओहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। इसमें क्या है, एक बार ए स्क्वायर तो निकालना और फिर उसके बाद ए क्यूब निकालना, पक्की बात है वो जीरो 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 आ जाएगा, फिर आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये कहोगे फिर ए 16 भी जीरो 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 आ जाएगा। हाँ भाई और बताओ भाई, किसी को डाउट और किसी का रह गया डाउट? जिसके भी हो अभी पूछ लो। कोई बच्चा जो बीच में मुझसे मिस हो गया हो, जिसका डाउट रह गया हो, आप मुझे असाइनमेंट बता दो, मैं असाइनमेंट से बताता चला जाऊंगा। सर बाद में नहीं बताओगे? बाद का जब नंबर आएगा बाद का तब देखेंगे, अभी तो आज का डिसाइड कर सकते हैं बेटा। देखो बाद का क्या पता, कल हो ना हो, 6 डे से पूछ सकते हैं। एक मिनट रुको मुझे देखने दो, 6 डे कौन सा है? 57। अच्छा डे 6 आ गए, ओके रुक जाओ, 6 डे निकाल लेते हैं जी। और बताओ, 6 डे भी आ गया। अरे 6 डे के तो फालतू के क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे ना, नहीं भी करते तो मुझे डाउट है कि आएंगे भी कि नहीं आएंगे। चलो फिर भी मैं देख के बताता हूँ काम के है कि नहीं। 57, ओके देखो 57 वैसे है, 57 का मतलब है ये, गिवन है हमको। तो ये ए आ गया। और अब हमें पीएमआई से प्रूफ करना है ऐसा। क्या
क्या ये हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब बताओ, अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, चिंता करो। एन की जगह पहले वन लिखो, फिर के लिखो, फिर के प्लस वन लिखो, क्वेश्चन खत्म करो। आ रहा हो तब भी लिखो, ना आ रहा हो तब भी के प्लस वन ला दो, काम खत्म। बस इतना करना था, बस इतना ही करना था। मैं स्क्रीन शॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि भूल चूक ना हो। सर पीएमआई से करेंगे? बिल्कुल पीएमआई से ही करना है, पीएमआई से ही करना है। देखो ऐसा है, इन्वेस्टिगो के डाउट्स का टाइम आएगा भी आराम से। एक बार पहले बच्चों के थोड़ा चैप्टर हो जाए, उसके बाद कराएंगे। इन्वेस्टिगो में बहुत डिटेलिंग है बेटा, जैसे डाउट्स आपको पूछ रहे होंगे ना उनमें बहुत डिटेलिंग है। अमीशी जो ये डाउट तुम्हारे को स्कूल से मिला है क्या? ये भी तो पीएमआई का, पीएमआई का क्वेश्चन है अमीशी, बिल्कुल पीएमआई क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस जीरो है, बिल्कुल जीरो चांस है। पीएमआई का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पीएमआई मैंने सिर्फ तुमको इसलिए बता दिया था, एक दो बच्चों के स्कूल में बोला हुआ है। अमीशी जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, इनकी जगह वन के और के प्लस वन करना, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं होता है मुझे शेयर करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है डे सेवन का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे हैं ये। डे सेवन का क्वेश्चन निकाल दिया इन्होंने, बताया कैसे लोग हैं ये। चलो डे सेवन का क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत पढ़ा हुआ है भाई, इतने तो। डे सेवन इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। डे सेवन आपका सिलेबस में नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं फिर भी इसे सॉल्व करके क्या हुआ होगा, अगर आप करना चाहते हो तो। कहीं पर अगर ऐसा आया हो, सुन लो एक बार, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। और कहीं पर अगर ऐसा आया हो तो इसकी वैल्यू वन होती है। इन दोनों का यूज कर लेना, आपका काम बन जाएगा 100%। वरना चेक कर लेना यही आया होगा, तो आइडेंटिटी बन जाएगा अपने आप। अभी भी कितने बच्चे हमारे, निखिल लोहानिया, ओके। नेक्स्ट पेज पे एसक्यू वाले, कौन सा क्वेश्चन? वन से एट, तो वन तो मैंने कराया था, टू भी कराया था। ये एक्चुअली इसका आंसर है, ये आंसर है इसका। ये फालतू लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं है कोई, कुछ नहीं आने वाला इसमें से, ठीक है, कुछ नहीं आने वाला कुछ। डे वन बेटा, कुछ बच्चों के स्कूल में असाइनमेंट पूछते हैं, इसलिए फिर उनके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग बना के देनी पड़ी थी डीपीपी। डिटरमिनेंट का डे वन, डिटरमिनेंट का डे वन, ओके, डिटरमिनेंट का डे वन बोलो फिर। शिवम मत करो, काम चल जाएगा, ठीक है, और बताओ। अरे ये छोड़ो, ये प्रॉपर्टी आएगी आगे बता देंगे, अभी प्रॉपर्टी आनी है इसकी तब होगा। क्वेश्चन थ्री सुपर है भाई ये, अभी सुपर क्वेश्चन कोई नहीं चलेगा, सुपर क्वेश्चन बाद में, सुपर सबको समझाएंगे, ऐसे थोड़ी 10-12 बच्चों को बताएंगे। फर्स्ट का बताओ कौन सा,
हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ट्वेंटी फाइव दिया है, 35 आंसर है, चेक करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9 में क्या दिक्कत है? साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइडेंटिटी लग गई, बस खत्म बात। साइन 91 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। और बताओ, फिफ्टी टू बता दो, 52 बता दो, 52। ओके, कौन से वाले का बच्चे? अपूर्वा कौन से वाले का 52 बताना है? इसी का 52 पूछ रहे हो क्या? इसमें मुझे 52 नजर नहीं आ रहा। ओके, हाँ भाई, ये सिंगुलर वाला क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा था। तो सिंगुलर में क्या होता है, डिटरमिनेंट को जीरो कर दो तो वो सिंगुलर मानी जाती है बस। ओके, पूर्वा अभी निकालते हैं। सिंगुलर वाला समझ में आ गया कि नहीं आया? पूर्वा कोई भी पीएमआई का क्वेश्चन मत करो, मैंने जितने करवाए हैं बहुत है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आएंगे। आप ये देखो, सिंपल सी चीज है, सिंगुलर का मतलब है कि ये डिटरमिनेंट जीरो आएगी। इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो बस, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है भाई? एक मिनट रुको भाई, हाँ पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। विनय, हम तुम्हें शेयर कर देंगे बेटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, उसे देख लेना और आप